ये वो है जो हम बचपन में खेलते थे, रेलगाड़ी छुका छुप। मुझे जंगल से ज्यादा रेलगाड़ी देखने का दिल कर रहा है। टाइट हो गया भाई, टाइट हो गया भाई। ये बच्चे देखो कैसा एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। आर यू एंजॉयिंग? इनको उर्दू नहीं आती। इतने झटके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा मोबाइल कहीं गिर ना जाए, सारा प्रोग्राम ही बढ़ जाएगा। गाँव भी आ रहे हैं बीच में, आवाज टाटा भी हो रहा है, लोगों बच्चे भी टाटा कर रहे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। दूसरी ट्रेन बड़ा डेंजरस पुल है वो, टका टम टकम टका टम टकम जो आवाज़ आती है ना, कि आप जरा इंजन के पहिए देखें यार, ये जो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े मज़ा आ रहा है इनको देख के। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाह। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कराची से सुपर एक्सप्रेस में सरगोधा जा रहा हूँ मैं। जिंदाबाद। ये वो है जो हम बचपन में खेलते थे, रेलगाड़ी छुका छुप। यार देखो इन्होंने सयाहों के लिए एंटरटेनमेंट का कितना बेहतरीन सामान रखा हुआ है। तो रेलगाड़ियों से छुका छुप की आवाजें ही नहीं आती। मुझे जंगल से ज्यादा रेलगाड़ी देखने का दिल कर रहा है। टाइट हो गया भाई, ये बच्चे देखो कैसा एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। आर यू एंजॉयिंग? इनको उर्दू नहीं आती। देख सकते हैं आप लोग, अरे वो वहाँ से टाटा भी कर रहे हैं। नहीं, हम पहले बचपन में पंजाब जाते थे, गांव के लोग टाटा कर रहे होते थे ट्रेन में, बिल्कुल वही स्टाइल। बड़ी
बड़ी ट्रेन है। झटके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मेरा मोबाइल कहीं गिर ना जाए, सारा प्रोग्राम ही बढ़ जाएगा। खेला करते थे रेलगाड़ी छुका छुप, आजकल जो है ना टिकटॉक से बच्चों को फुर्सत नहीं मिल रही। क्या ख्याल है सलीम भाई? बिल्कुल, तो बहुत खेला है पूरी। हम जो है ना एक दूसरे की कुर्ता पकड़ के ना पूरी लंबी ट्रेन बनाते थे। एक बच्चा आगे इंजन बनता था और फिर रेलगाड़ी छुका छुप करके पूरे महल्ले में घूमते थे। टिकटॉक पे बैठे रहते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं। खांसी अब ये मास्क पहन रहे हैं, मैंने कहा मैं खांसी बहुत हो रही थी, मास्क पहन रहे। वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बिल्कुल पुराना स्टाइल रखा हुआ है ट्रेन का। गांव भी आ रहे हैं बीच में, आवाज़ भी आ रही है, टाटा भी हो रहा है लोगों की तरफ से, बच्चे भी टाटा कर रहे होते हैं, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं। जेंटलमैन, वेरी गुड। ये मुझे लग रहा है ट्रिक कॉलोनी जंक्शन आ गया है। ट्रिक रोड, आगे लियारी जंक्शन आने वाला है। मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लग रही है इस ट्रेन में, इसकी आवाज़, वही आवाज़ आ रही है जो बचपन में हमें ट्रेनों में आती थी। सब टाटा कर रहे हैं टाटा। वो देखो लोग हमारे वीडियो भी बना रहे हैं हमारी।
आवाज बिल्कुल वही है जो कराची से हम सुपर एक्सप्रेस में अपनी वालदा के साथ सरगोधा जाया करते थे, बिल्कुल यही आवाज आती थी, टक 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 टक। मुझे वो जमाना याद आ रहा है। और इसी तरह ट्रेन जगह जगह बिला वजह रुकती भी थी, उस बिला वजह रुकने का अपना मजा था। चलने की तो अक्सर रीजन हुआ करती थी, रुकने की कोई रीजन होती नहीं थी। यार इन लोगों ने गांव देहातों में भी कितने अच्छे रिहायशी घर बनाए हुए हैं। ये जब ट्रेन ट्रैक चेंज करती है ना, इसका अपना मज़ा है। खानेवाल पे देखा होगा आपने, बहुत सारे ट्रैक हैं, तो ट्रेन जब मुख्तलिफ ट्रैक चेंज करती है बड़ा अच्छा लगता है वो मंज़र। टाटा कर रहे हैं टाटा। इन मुल्कों में जवानों की लाइफ जितनी अच्छी है, बस बूढ़ों की उतनी ख़राब है। ये बड़ा मसला है। अच्छी का मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से। बहुत है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना, बड़े प्यारे फूल हैं, ये घरों के बाहर लोगों ने बहुत लगाए हैं। ये फूल बहुत ज्यादा है यहाँ।
समंदर, आगे समंदर है, कमाल है। अच्छा समंदर नहीं है, झील है, झील। बिल्कुल सही कहा आपने। यार हम ट्रैक, हम वॉकिंग ट्रैक पे आते तो 2-3 दिन लग जाते। जी हाँ। यहाँ जानवर है? नहीं भाई, केंगू चेंगू है, बाकी नहीं है, सांप वगैरह होंगे। वो दूसरे दूसरे जंगल में है, जाएंगे वहां भी इंशाल्लाह। सांप तो बहुत है। बहुत खूबसूरत मंजर है ये। ये झील है, झील। मुझे लग रहा है मैं पिंडी जा रहा हूँ, तेजगाम में। बिल्कुल इसी तरह का स्पीड लिमिट 10 माइल्स पर आवर। चलो भाई आ गए भाई। यहाँ 5 मिनट इतने में गोला अंडा खाते हैं स्टेशन से। नहीं उबले अंडे ही मिलते हैं। फ्राई भर के ले आऊंगा। उबले अंडे वाला नहीं आएगा, गरम अंडे है। एक फ्राई भर के भी ला लियो। बोतले बोतले करारे पापड़े, कोई आवाज ही नहीं आ रही, बस ये चीज रह गई यार। अगर ये भी इंतजाम कर लेना, कराची से 2-4 बंदों को बुलवा लें तो पूरा लुक आ जाएगा सही वाला।
ये क्या लाए, नीचे नहीं उतर सकते? नहीं, उसने बोला था कि जब तक ये नहीं उतरे ना, जब तक मैं दरवाजा ना खोलूं। तो मुच्छड़ यूं घूमा है, मुच्छड़ चला गया लेकिन दरवाजा नहीं खोला। नहीं, ये बलगे वाले पार्टी है सारी, जो इधर वाले होंगे उनको खोल ले आए वो। अच्छा, और उन्हें हिसाब से बैठे होंगे ना। दूसरी ट्रेन सब लोग टाटा कर रहे हैं। जबरदस्त हम उसमें बैठ जाते हैं, वापस निकलते हैं। ये आ गए दोबारा अंग्रेजों के बुजुर्ग। ये हाजी गुलबदीन है, हाजी गुलबदीन, हाजी गुलबदीन इसका नाम पुराना, नया नाम इसका है ना, डेविड डेविड पेकर है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कलाकारियाँ की हुई हैं, पुराने ज़माने की ट्रेनें वो तक इन्होंने इसमें लोगों को सफ़र की सहूलत दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत हमारी खुशी। जापान में इरशाद भाई ख़ानदानी बड़ा उन्होंने हमें घुमाया, अल्लाह बहुत जजाए खैर दे, बहुत टाइम दिया इरशाद भाई ने। इरशाद भाई के लिए दिल से दुआएं, अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ दे। और ऑस्ट्रेलिया में मेरा दूसरा सफ़र है ही ऑस्ट्रेलिया में, और इस सफ़र के का जो सबब है वो सलीम भाई हैं। ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं ये वो वाले सलीम नहीं है जो मैं बयानात में जिक्र करता हूँ, ये दूसरे सलीम, ये सलीम उल हक हैं। यहाँ भी बहुत सारे बयानात हैं, इंशाअल्लाह अनाउंसमेंट होती रहेगी बयानात। मेरा ख्याल है ट्रेन आधा घंटा लेट है, सही है, बेस पर गई है, बेस पर गई थी ट्रैक पे। अच्छा अच्छा अच्छा, करीब आपको बोल के चला दूंगा। हां, ये वो भी है, कोई तो है, क्या बात कर रहा है बाजी। भाई ये पुल आ रहा है, ट्रेन ने स्पीड बहुत आहिस्ता कर दी है, बड़ा डेंजरस पुल है वो, टकाटम टकाम टकाटम टकम जो आवाज़ आती है ना, ओए होए डेंजरस, टू डेंजरस। वो टाटा हो रहा है, टाटा शायद भाई इसे कहते हैं जंगल में मंगल, और इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। चलो भाई खानेवाल आ गया, मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिक इंजन लगता है ना खानेवाल से। लो भैया चलो भाई यहाँ से, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब ट्रैक चेंज होता है ना। ये आप जरा इंजन के पहिए देखें यार, ये जो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे, बड़े मज़ा आ रहा है इनको देख के। चलो भाई मुल्तान वाले भैया,
ये शायद मुझे पहचानते हैं मेरा ख्याल है। चलो भाई किराया पूरा हो गया। वो आएंगे बुजुर्ग, अंग्रेजों के अभी बुजुर्ग आएंगे, वो गेट खोलेंगे, वो बड़े खानदानी आदमी है। वो आ रहा है, मुझे बड़ा पसंद आया यार ये बंदा, दाढ़ी वाला नहीं है जो गोरा, ये बड़ा टाइट टाइट आदमी है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये टाइट है यार। ये मुझे लग रहा है अंग्रेजों की तबलीग में इसके 4 महीने लगे हैं। जिंदाबाद। बहुत खुश मिजाज आदमी है ये। नाइस टू मीट यू। ये वही हो रहा है जो हमारे यहाँ खाने वाल पे होता है। बड़ा मजा आया। स्टेशन भी बिल्कुल कैंट स्टेशन की तरह का नहीं बनाया हुआ, देखें पुराने डब्बे भी ला के रखे हैं। ये क्या है, ये देखो पुराने जमाने की ट्रेन की तस्वीर, ऐसी होती थी सच्ची मुच्ची वाली। बड़ा मजा आया जी सलीम भाई। मजा आया, आप तो पहले भी आ चुके होगे ना? जी जी बिल्कुल, ये आपकी बरकत से, नहीं हमें टिकट नहीं मिलते थे तो आपकी बरकत से टिकट मिल गया। हमने पहले ट्राई बहुत की है, मेरे को टिकट नहीं मिला, तो आज आप आए पता नहीं किस तरह टिकट मिल गया। यार ये फूल मुझे बहुत पसंद आए हैं, ये वाले करीब से जरा देख लूँ इनको। यहाँ घर के बाहर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में घरों के बाहर बहुत लगे हुए हैं ये फूल, बड़े प्यारे लगते हैं। इनके बीज नहीं मिलेंगे पाकिस्तान ले जाके लगाए हैं, जरा देना मैं ट्राई मारूंगा वहाँ कराची में, हो सकता है लग जाए। ये बड़ी मजे की चीज़ है कि अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जनवरी में दिन बहुत लंबा है, हमारे पास घूमने फिरने के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा है। अभी 9 बजे जाके कहीं मगरिब की नमाज़ होगी, रात 9 बजे जो कि यहाँ मगरिब का टाइम होगा। मैंने कराची में किसी को बोला कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ना जून का महीना चल रहा है। अच्छा कह रहे हैं, मैंने कहा भाई वहाँ दिन लंबा है, रातें छोटी हैं और गर्मी का सीज़न चल रहा है। वो कह रहे हैं हैं, तो फिर मैंने बोला कि वहाँ जो है जून की फला तारीख चल रही है लंबे लंबे। फिर जब मैंने देखा ये हैं कर रहा है, तो मैंने कहा थोड़ा और खेलते हैं इससे। मैंने कहा और जापान में इस वक्त मार्च चल रहा है, वो और भी उसने कहा और अच्छा हैं। फिर मैंने कहा जरा और खेलते हैं। फिर मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा म्यांमार में। मैंने कहा गुलशन म्यांमार में इस वक्त जो, तो मैंने कहा अंडा मोड़ पर जनवरी चल रहा है। तो उसने कहा यार ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा जब ऑस्ट्रेलिया में जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता जनवरी। ये जंगल से पानी आ रहे हैं, पानी हो और वहाँ कलरफुल बतखे हो, हटो बच्चे हो जाता है। और एक और चीज़ रहेगी, बतखों के साथ उनके बच्चे हों चूजे। दरख्त देखें कितने प्यारे हैं जंगलों में, ये ऐसा लग रहा है प्लास्टिक का है। वाह, इनका है रोजा, किसका? शाहिद भाई, शाहिद भाई, पानी शाहिद भाई का रोजा है, आज जुमेरात वाला रोजा रखा आपने। ये सलीम भाई जो है ना, इनके घर में भी
वो इरशाद भाई जो जापान वाले, उनके घर में भी पीर जुमेरात का रोज़ा रखा जाता है जापान में। अच्छी बात है मुसलमानों ने यहाँ पर अपने मज़हब को कायम रखा हुआ है। इरशाद भाई ने बताया जापान में हमारे घर में सब बच्चे पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई सुन के। और सब बच्चियाँ जापान में फुल पर्दा करती हैं। यहाँ जो जापान में जो पेशावर के दो साहबाब हैं उनके घरों में माशाल्लाह पर्दे का वही निज़ाम है जो पेशावर में। ये बड़ी खुशी बस घर की तरफ चलते हैं। आपने अगर कहीं जाना चलो भाई थोड़ा घर पे थोड़ा रेस्ट करके फिर थोड़ा सा मैं सिटी की तरफ निकलूं। शायद भाई इतना लंबा रोजा 9 बजे तक का वही ना डबल सवाब ले रहे हैं एक रोजे के। ये बेमानती है अल्लाह करे कबूल हो जाए बस। ये बेमानती है एक रोजे में 2 सवाब ले रहे हैं आप। अल्लाह तआला कबूल कर दे तो काम सीधा है वरना बेकार है। बहुत खूबसूरत फूल है घरों के बाहर लोगों के लगे हुए हैं। ये बड़े प्यारे फूल हैं यार। इसके बीच चाहिए मुझे ट्राई मार के देखते हैं हम कराची में। लेंगे बनिंग 5 मिनट के लिए। हाँ है ना क्या क्या कह रहे हैं बनिंग शायद बनिंग से वो है। हाँ तो जो बीज आपको चाहिए सब्जी के तस्वीर के साथ और अच्छा। मौसम भी लिखा होता है उसपे और फल फ्रूट जो भी वो बीज उसके पास ये नॉलेज भी होगी मुझसे जब पूछेंगे ये वहाँ लग सकते हैं तो बता दे। वो लिखा हुआ होता है उसपे कौन से सीजन में लगता है क्या चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट। गुड हो गया गुड हो गया।